खबरदार रुक कर लेने दे 2024 दी चोणां नूं लै के अकाली दल ने कमर कस ली है। गठजोड़ दे सवाल ते हरसिमरत कौर दा वड्डा बयान सामने आया। हरसिमरत कौर बादल ने यूथ मिलनी दे विच शिरकत कीती सी और हरसिमरत कौर बादल ने इस वेले विरोधी धिर दे उत्ते जम के हमला बोलिया। सो दस दईए कि पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहानूं दे दिंदे आ। आने वाली लोग सभा चोणां दे मद्देनजर श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों तैयारियां खिंच लईआं गईआं ने। पार्टी ने बीते दिन हलका इंचार्जां की नियुक्ति की है। 10 हलका इंचार्ज जोड़े ने उन्होंने नाँ के उत्ते सहमति बनी है, ऐलान किए गए हैं। इस दाल ही बठिंडा के संसद मैंबर से सबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सोमवार को बठिंडा पहुंचे सन, जिथे हरसिमरत कौर बादल ने यूथ मिलनी प्रोग्राम को संबोधन किया। इस दौरान जिथे हरसिमरत बादल ने भाजपा के नाल गठजोड़ दिया खबरों सिरे तो खारिज किया। इस नाल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी ते निशाना भी साध्या। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल वर्गी खेती पार्टी ही पंजाब दे विच शांति ते खुशहाली लिया सकती है। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने पार्टी के समर्थन दे विच आए नौजवानों की शलाघा की, कहा कि यह उन्हां दा उत्साह है जो आने वाली चोणां दे विच पार्टी नूं चंगी तरह दे नाल संभालेगा। पार्टी गठजोड़ ते हरसिमरत बादल ने की कुछ कहा वो तुहानूं सुना दें। सो इस खबर से वधेरे जानकारी दे लई साडे सहयोगी अमनदीप फोनलाइन से जुड़ चुके हैं। अमनदीप, ए यूथ मिलनी दे विच हरसिमरत कौर बादल ने शिरकत की है, सो तैयारियां जड़ियां ने अकाली दल दे वल्लों खिंच लिया गई हैं। जी बिल्कुल, 2024 की जेकर गल की जाए तो अकाली दल वालों हुण जमीनी पद्धत के उपर जिहड़ा हैगा रैलियां का आयोजन शुरू कर दिता गया। पर दूसरे पासे जिहड़ी गल उहनां कल मीडिया सामने रखी वो ये रखी भी जो भी पंजाब के हितों की गल करेगा अभी उस नाल पार्टी का समझौता कर सकते हैं। कितना कितने जिहड़ा हैगा सीधे रूप से उन्होंने गल कही है भी उन्होंने होर पार्टियां हैगा गठजोड़ हो सकता 2024 दियां लोक सभा चोणां नूं लैके। हुण देखना यह होएगा कि इन्हां वल्लों किहड़ी सियासी पार्टी नाल जिहड़ा 2024 दे विच समझौता किया जाता, क्योंकि इस तो पहला जिहड़ा हैगा किसानी बिल्लां नूं लैके इन्हां वल्लों भाजपा नाल नाता तोड़िया गया। सो अमनदीप, बसपा दे नाल जेकर गठजोड़ की गल करिए भाजपा दे नाल की संकेत मिले ने इस बयान तो कि किहदे वल जा सकती है इस वारी श्रोमणी अकाली दल? जी बिल्कुल, बसपा नाल तां पहलां ही समझौता जिहड़ा हैगा श्रोमणी अकाली दल दा समझौता चल रहा है, क्योंकि इन्हां वल्लों विधानसभा चोणां के जिहड़ियां हैगियां लड़ियां गईआं सी, पर भाजपा नाल वार वार क्यास लाईआं लाईआं जा रहियां सी मुड़ समझौता हो सकदा है। हुण इस दे चलदे जिहड़ा हैगा इह बयान बड़े मायने रखदा है जो कल बठिंडा विखे लोक सभा मैंबर हरसिमरत कौर बादल वल्लों दित्ता गया। सो आउंदे दिनां विच इह वेखणा होवेगा वी 2024 दीआं चोणां तों पहलां किस पार्टी नाल इह समझौता करदे हन। जी एक पासे अमनदीप, क्योंकि लंबे चिर तो अकाली दल का भाजपा के नाल गठजोड़ रहा, दूजे पासे यह कहना कि खेतरी पार्टी ही शांति बनाए रख सकती है पंजाब दे विच, इस बयान नूं किस तरह दे नाल देखा जा रहा? जी बिल्कुल, कितने ना कितने पंजाब के मुद्दे ने जिहड़े खेतरी पार्टियां वधिया ढंग नाल उभार सकदियां, क्योंकि केंद्र नाल संबंधित जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने उन्हां वल्लों केंद्र नाल संबंधित जिहड़े सियासी मुद्दे ने जां विकास कार्ज ने उन्हां नूं उठाया जांदा। हुण सो देखणा इह होवेगा कि आउंदे दिनां दे विच जिहड़ा पंजाब की गल की जा रही है, पंजाब मुद्दियां की गल की जा रही है, वह किस पार्टी नूं बणा हुंदा, क्योंकि इह बहुत मायने रखदा पंजाब दे विच अकाली दल दी बणाए रखण लई। जी ठीक है अमनदीप, बहुत शुक्रिया थोड़ा इस पूरी जानकारी के लिए। सो यूथ मिलने के शामिल हुए हरसिमरत कौर बादल, तो इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने भाजपा से भी निशाना साधिया, आम आदमी पार्टी से भी निशाना साधिया। की कुछ किया हरसिमरत कौर बादल ने थोड़ा सुना दें। साडा समझौता BSP दे नाल हैगा, जे किसी दे नाल समझौता होगा उन्हां दे नाल ही होगा जिहड़ा पंजाब दे मसले हल करनगे, पंजाब नूं हक दिलाणगे, ना कि साडी धार्मिक संस्था नूं कमजोर करनगे, तां साडे मुंडियां दे उत्ते NSA ला के साडी बंदी सिखां नूं रिहा नहीं करनगे, इस तरह कोई मसले हल नहीं हो सकदे। बादल साहब दे नाल रल मिल के पंजाब च इहो जिहा विकास होया जिहड़े पिछले 8 सालां च पंजाब हुण थल्लों 2 नंबर आ गया है, जिहड़ा असीं उपर तों 6 नंबर च छड के गए सी। इह बादल साहब दी, श्रोमणी अकाली दल दी ते सुखबीर जी दी देन सी।